इस रिलेशन में 3-1 भी अगर होगा तब ये सिमेट्रिक बन सकता है, अगर 3-1 नहीं है तब जाके ये सिमेट्रिक नहीं है। डियर स्टूडेंट इज नाउ गिव डेफिनेशन। गिवन ए रिलेशन, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट से is said to be symmetric relation if AB belongs, given a relation say R, हमने भी AB belongs to R, this implies BA belongs to R, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। अगर ए बी इसमें होगा, अगर इंप्लाई आएगा हमारे पास BA belongs to the same relation, then we say the given relation is symmetric relation। एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पे, टेकिंग दिस एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, दिस यही हमारे हम यही गिवन सेट लेंगे, यही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हमारे पास एग्जांपल इसी सेट पे लेंगे हम, आर इज इक्वल टू से 1 1 1 2 2 1, ये इसका एक रिलेशन है। क्लियरली वी हैव 1 1 1 1 बिलोंग्स टू, रिवर्स में भी ये 1 1 इसी में होगा, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 इज देयर। इफ वी हैव हियर 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम रिलेशन, क्लियरली 1 2 इज देयर, 2 1 इज देयर, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अगर एक और इसी ए सेट पे हम लेंगे, इसी सेट पे डिफाइन हम रिलेशन कर लेंगे सच दैट आर इज इक्वल टू आर, हम लेंगे जस्ट से 1 2 3 1। डियर स्टूडेंट्स वी हैव हियर 1 2, आर में इज 2 1 हियर, 2 1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, 3 1 इज हियर, 1 3 इज नॉट हियर। मीन्स ये जो आर हमारे पास डिफाइनेड रिलेशन है, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब जाके अगर हमारे पास R इज इक्वल टू नल सेट, इसमें हमारे पास यहां पे कोई ए बी नहीं है, वी बिलोंग टू R, अगर इसमें कोई ए बी होता तब जाके आप हमें चेक करना था बी ए बिलोंग टू R, यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर किसी रिलेशन में कोई एलिमेंट से एक्स वाई होगा, एक्स वाई बिलोंग टू एनी रिलेशन, तब जाके हमें चेक करना है क्या वाई एक्स बिलोंग्स टू द आर, वाई एक्स बिलोंग्स आर, देन इट बिकम्स ए सिमेट्रिक रिलेशन। जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं तब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये जहन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नल रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर हम लाइफ रिलेटेड रिलेशन भी देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर सिस्टर रिलेशन, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर रिलेशन लेंगे। अगर ब्रदर रिलेशन हम किसी घर में लेंगे, क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन ऑलवेज बनेगा? नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल ये लड़का होगा, ये लड़की होगी, A is a brother of B, but B is not brother of A, because B is girl, ये लड़की है, ये boy है। We say here A is brother of B, but reverse में B is not brother of A, B is sister of A। ये जो brother of relation है, it is not symmetric relation। और हमने पिछले लेक्चर में वो ज्योमेट्री
मैं से भी कुछ एग्जांपल्स दी थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, यहाँ पे भी वो एग्जांपल्स हम देंगे। अगर हमारे पास एक प्लेन होगा, प्लेन में लाइनस होंगी, लाइनस पे हम इफ वी हैव ए प्लेन, से इट इज प्लेन, वी हैव इनफाइनाइट लाइनस, आप देखिए उन लाइनस के दरमियान रिलेशंस भी है। अब अगर हमारे पास रिलेशन लेंगे हम पैरेललिज्म, पैरेलल अगर हमारे पास एक लाइन एल होगा, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, दैट इज तब जाके इस रिलेशन हम लेंगे पैरेललिज्म, जहां पे पैरेलल लाइंस होंगी, ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल, सी इज पैरेलल टू डी, वो वाले वाले ऑर्डर पेयर्स होंगे इसमें। फॉर एग्जांपल एल वन एल टू सच दैट एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स सेट ऑफ लाइंस, लेंगे हम एस, एस इज इक्वल टू एल सच दैट एल बिलोंग्स, एल इज ए लाइन, एस हम लेंगे सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, वहां से हमारे पास दैट बिकम यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे एल वन एल टू, एल वन इज लाइन एल टू इज लाइन। अब हम रिलेशन इसका सबसेट ले रहे हैं, एस क्रॉस एस का सबसेट ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू एल वन एल टू साइज दैट एल वन इज पैरेलल टू एल टू, एल वन इज पैरेलल टू एल टू, ये हम रिलेशन ले रहे हैं। मैं रिवाइज कर रहा हूं, वी हैव ए प्लेन, we have the lines say L, S is the set of lines in the same plane. अब इस S में set of lines है, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ढूंढ सकते हैं, that is S cross S, S cross S, उसमें क्या होगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, S cross S में इस तरह ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे L1 L2, such that L1 comma L2 belongs to S, इस तरह ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका सबसेट हमारे पास तो होगा ही, टेकिंग दैट बिकम्स द रिलेशन, यहां पे हम एक रिलेशन ले रहे हैं, इसी सबसेट इसी सेट पे हम डिफाइन कर रहे हैं, उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स है L1 L2 such that L1 is parallel to L2, दैट इज पैरेललिज्म हम वहां पे रिलेशन ले रहे हैं। अब अगर L1 इज पैरेलल टू L2, L1 is parallel to L2, just it is L1, it is L2, this line is parallel to this, then clearly L2 is also parallel to L1, means agar hamare paas parallelism relation hum lenge ek set pe, set of lines pe, tab jaake wo relation necessary symmetric hoga, tab jaake wo रिलेशन नेसेसरी सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब जब हम रिलेशन लेंगे पैरेललिज्म का, डिफाइन आने सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन ऑफ ए प्लेन, देन दैट रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह इस प्लेन में इस तरह भी लाइंस होंगे, ये एल है ये एम है, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, रिलेशन हम लेंगे आर इज इक्वल टू से एल एम, such that L is perpendicular to M, same relation which is defined on the same set S, लेकिन यहां पे ये relation है perpendicularism, तब जाके इसमें एल एम होगा when L is perpendicular to M, अगर L perpendicular to M है clearly then M is also perpendicular to M, L and vice versa, L is perpendicular to M line, M is also perpendicular to L line, means ये जो perpendicularism हमने define किया relation on a set of lines of a given plane, that also forms a symmetric relation. Thank you, have a nice day.